हेलो स्टूडेंट्स, आज जो ये वीडियो मैं बताने वाला हूँ, चाहे आप हिंदी कोर लिए हैं या हिंदी इलेक्टिव लिए, आप दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस वीडियो के माध्यम से आपके पेपर में, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो या ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो, इसमें आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगा। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। और मैंने आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से ये कंटेंट तैयार किया हूँ, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे लेटर सेक्शन से या हमारे निबंध सेक्शन से या हमारे संपादक या फीचर लेखन सेक्शन से किस प्रकार से क्वेश्चन छपते हैं हमारे पेपर में। तो बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से एक बार देखिए किस तरह से आपके पेपर में, कल के पेपर में आप लोगों का पूछने वाले हैं, किससे रिलेटेड? पत्र लेखन से रिलेटेड या निबंध लेखन से रिलेटेड। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, ये जो निबंध लेखन है या पत्र लेखन है, ये कोर लिए हैं या हिंदी इलेक्टिव, दोनों का कॉमन होती है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इस कोर्स को। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मेरी प्रिय पुस्तक, मैंने देखिए आपको निबंध सेक्शन के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि निबंध सेक्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप, मैं बता दूं, आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक कुछ तैयार नहीं किए हैं, या आप लोग चाह रहे सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए टर्म 1 टर्म 2 दोनों के लिए, तो बहुत बड़ी आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जो आप लोग सुनकर बहुत ही हैप्पी हो जाएंगे। क्यों? देखिए मैं बता दूं, आप लोगों का एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया गया, जिस कोर्स का नाम है क्रैश कोर्स। यहां पे देखिए, ये कोर्स ना क्रैश कोर्स का आप लोग ज्वाइन करें, बहुत ही नॉर्मल फी है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक कोई भी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। क्रैश कोर्स का फी ओनली फॉर 2499 रुपीज है, जहां पे आप लोगों का सारा टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव, टर्म 2 का सब्जेक्टिव बेहतरीन तरीके से विद न्यू पैटर्न के आधारित पर आप लोगों को तैयारी करवा जाएगा। इसका एडमिशमेंट डेट जो है, एडमिशन डेट जो है, याद रखिएगा 14 दिसंबर से स्टार्ट होगी, और सुबह से 6 बजे से रात 10 बजे तक आप लोगों का जो है सीट, मतलब आप लोगों का 6 से लेकर 10 बजे तक आपका पूरा का पूरा एडमिशन चलेगी। इसमें आप लोगों का लिमिटेड सीट है, 50 स्टूडेंट से ज़्यादा आप लोगों का एडमिशन नहीं होगी, क्योंकि वेबसाइट का लिमिटेड है ओनली फॉर 50 स्टूडेंट, तो 50 स्टूडेंट से ज़्यादा हम लोग एडमिशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर करवा लेते हैं और कहीं अगर मान लेते हैं कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो सारा स्टूडेंट जो है क्लास नहीं देख पाएंगे, इसलिए हमारे लिमिटेड है ओनली 50 स्टूडेंट का। तो जल्दी से जाएं, कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, और आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक फोन पे यूज वगैरह कुछ नहीं करते, तो नीचे इस नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से सबसे पहले हम लोग, आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़े, और जुड़ने के बाद अपने प्रॉब्लम को बताएं, वो आप लोगों को सारा चीज जो है सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग फाइनली आज जो मैं आपको बताने वाला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या मैं बताने वाला हूं, समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला, एक एक स्टेटमेंट को ना आप लोगों को ध्यान पूर्वक समझना है, तभी जाकर आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सर, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार अभी तक एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो हिंदी इलेक्टिव हो या हिंदी कोर्स से रिलेटेड हो। क्वेश्चन है कि मोहल्ले की नलियों की सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखें। क्या? मोहल्ले की सफाई के लिए, मतलब जिस मोहल्ले पे रहते हैं काफी ज्यादा कूड़ा कचरा हो जाते हैं, और इससे बीमारियां पैदा होती है, और इस तरह से हम लोगों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया वगैरह बीमारी पैदा होती है, और हम लोग क्या करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो इस तरह से आपको एक ऐसा पत्र लिखना है, किसको? तो बताएंगे सर, स्वास्थ्य अधिकारी को, ताकि वो आपके मोहल्ले को बेहतरीन तरीके से साफ सफाई के लिए आदमी को भेजे। इस तरह से आपको लेटर लिखना है। लिखने का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि 5 मार्क्स का आपको ऐसा ही नहीं मिलेगी। लिखने का स्ट्रक्चर, जो ढांचा होती है ना, ढांचा में सिर्फ आपको मिलेगा 3 मार्क्स। कितना मार्क्स? 3 मार्क्स, और 2 मार्क्स मिलेगा आपको जो बीच में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब समझिए आपको लिखना कैसे है, एक एक स्टेटमेंट को समझिए। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है सेवा में। क्या स्टार्ट करना है? सेवा में, जिस तरह से मैं बता रहा हूं, बिल्कुल इधर उधर ना भटके, जो मैं चीज में बता रहा हूं टू द पॉइंट है, वो भी अपडेट के साथ। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, कौन सा अधिकारी? स्वास्थ्य अधिकारी, धनबाद नगर निगम धनबाद, यानी आप जिस भी एरिया में रहते हैं उसका आपको पूरा का पूरा एड्रेस पता, मतलब बता देना है। जैसे आप मान लेते हैं रांची पे रहते हैं, तो रांची नगर लिखना है, आप अगर नगर निगम में रहते हैं तो नगर निगम लिख देना है आपको। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है ना झारखंड लिखना ही लिखना है, क्योंकि आप झारखंड से रिलेटेड है, तो आपको झारखंड कंपलसरी आपको लिखना होगा। अब जैसे झारखंड लिखे ना, झारखंड लिखने के बाद ये जो सिंबल है ना, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, इस सिंबल को आपको जरूर लगाना है। ठीक है, अब आते हैं सर विषय, सबसे इंपॉर्टेंट होती है विषय। किस विषय के लिए आप ये जो पत्र लिख रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारी को, इसका मुद्दा क्या है, विषय क्या है? विषय होते हैं मोहल्ले की नलियों की सफाई हेतु, के लिए नहीं, हेतु याद रखना है। क्या लिखना है? हेतु। हेतु के बाद आपको ये सिंबल लगाना है, ये सिंबल आपको लगाना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं महोदय। हाँ मेरे प्यारे महोदय से हम लोग स्टार्ट करेंगे। महोदय कहाँ पे लिखेंगे? जहां पे विषय होगी। कहाँ पे? जहां पर विषय होगी वहां ठीक उसके नीचे लिखेंगे महोदय। या तो आप याद रखिएगा इसका स्टेटमेंट, याद रखिएगा दोनों याद रखना है। क्या? इसका स्टेटमेंट आपको लिखना है, इस लाइन के स्टेटमेंट महोदय। महोदय लिखने के बाद आपको कॉमा एरो देना है।
इसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे समझिए, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, सभी ने निवेदन यह है कि मैं चंदन कुमार धनबाद के पटेल नगर का निवासी हूं। आप जहां भी जिस एरिया पे रहते हैं, पाकुड़, गोड्डा, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, दुमका, कहीं भी रहते हैं, उसका एड्रेस देकर आपको इंडिकेट करना है। जरूरी नहीं है कि आपको यही एड्रेस देना है, ठीक है, मतलब पता। सभी ने निवेदन यह है कि मैं चंदन कुमार धनबाद के पटेल नगर का निवासी हूं। श्रीमान, मैं आपका ध्यान यहाँ की सोचनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो भी गंदगी है, इसकी ओर मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ, अट्रैक्शन करना चाहता हूँ। समझिए, इस क्षेत्र में सफाई व्यवस्था कितनी खराब है, इस जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, इस में सफाई व्यवस्था इतनी खराब है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और इसके इलाके के लोगों का दुर्गंध के कारण रहना दुर्भाग्य हो गया है, दुर्भाग्य हो गया है, थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, ठीक है, दुर्भाग्य हो गया है, ठीक है, समझिए। इतना ज़्यादा गंदा है, इतना ज़्यादा गंदगी है हमारे इस मोहल्ले पे कि लोगों को रहना दुर्भाग्य बन गया है, ठीक है। नालियों कचरे से भर गई है और गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। नालियाँ पूरी की पूरी जो है किससे भर गई है, गंदियों से भर गई है, और सड़क का पानी जो है, याद रखिएगा, पानी सड़क पर बह रही है, मतलब पानी जो है ना, नाली का पानी इतना गंदा हो चुका है कि सड़क पर बहता हुआ दिख रहा है। इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से लिखेंगे ना मेरे लाल, याद रखिएगा, पांच को उंगली का छाप मिलेगा आपको फाइनल एग्जाम में। पांच को उंगली का छाप लेना चाहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल दोनों लेक्चर को देखिए, मैं एक बता रहा हूँ ये और एक बताने वाला हूँ, जस्ट वेट कीजिए। चारों ओर मच्छर का साम्राज्य है, बिल्कुल जैसे मुगल साम्राज्य, अकबर साम्राज्य पढ़े हैं ना, इस तरह से चारों ओर मच्छर का साम्राज्य है। सफाई के को लेकर मोहल्ले के लोगों ने कई बार स्थानीय स्वास्थ्य निरीक्षण से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन यह सजन तो अपने कार्यालय में दिखाई नहीं देते हैं। मतलब मैंने बहुत बार ट्राई किया हूँ, स्वास्थ्य जो हमारे आसपास के स्वास्थ्य अधिकारी जो होते हैं छोटे मोटे, उन लोगों के पास मैंने गया, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला, इसलिए मैं स्वास्थ्य अधिकारी को डायरेक्टली पत्र लिखकर संबोधित करना चाहता हूँ। समझिए, काले में दिखाई नहीं देता, अतः विवश होकर मैं समस्त मोहल्ले वाले, मैं अकेले नहीं, समस्त मोहल्ले वाले की ओर से पत्र लिख रहा हूं। आशा है कि आप इस संबंध में अपेक्षित निर्णय लेंगे और स्वयं इस क्षेत्र का दौरा करेंगे, और मुझे आशा है कि आप हमारे मोहल्ले आएंगे और यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, गंदगी की जो व्यवस्थाएं हैं, वो आप अच्छी तरह से आकर देखेंगे। इसके लिए पटेल नगर के सभी लोग आपके आभारी रहेंगे, और इसके लिए पटेल नगर, जगह का नाम क्या, पटेल नगर, इसके लिए हमारे यहाँ के पटेल नगर के सभी लोग आपके लिए आभारी रहेंगे, ये आपको लिखना है। इसके बाद दो चीज याद रखना, एक स्टेटमेंट, ये आपका स्ट्रक्चर है, क्या है ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपको ये स्टेटमेंट ध्यान आना है, यहाँ पे आपको धन्यवाद लिखना है, क्या लिखना है, धन्यवाद आपको लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। आप स्ट्रक्चर नंबर थ्री पे आते हैं, पहला बताया सेवा में श्रीमान, बीच वाला में बॉडी, बीच का जो बॉडी है वो भी बताया हूं। स्ट्रक्चर नंबर थ्री में ध्यान देना है, धन्यवाद, दिनांक जरूर इंडिकेट करना है, सिग्नेचर करना है किसके बारे में, मोहल्ला का, जितना भी व्यक्ति आप 10 15 12 14 जितना भी, आपको सिग्नेचर नहीं करना है स्कूल में जाके कि आप सिग्नेचर करवाते रहते, नहीं, आपके मोहल्ले वाले, मतलब यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। डेट और धन्यवाद जरूर लिखना है, भावादी ये शब्द आपको जरूर लिखना है, आपका विश्वासी नहीं लिखना है यहाँ पे, आपका विश्वासी यहाँ पे नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये आप अकेले नहीं लिख रहे हैं, ये पूरे मोहल्ला वाले मिलकर लिख रहे हैं। इसके बाद आपका चंदन कुमार, मतलब आप यहाँ पे अपना लिखना है, आप मतलब कोई गांव का कोई मेंबर हो या अगर कुछ भी हो, उसके बाद अपना पता पूरा देना है, मोबाइल नंबर पूरा, आपको डेट दे देना है। इस तरह से जब आप लिखेंगे ना, तो पांच को उंगली का छप्पा मिलेगा, पांच को उंगली कांग्रेस का छाप मिलेगा, ठीक है, समझिए। अब आते हैं नया जो राशन कार्ड है बनवाने के लिए क्या पत्र लिखेंगे, नया राशन कार्ड बनाने का पत्र लिखा जाता है, किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे पत्र को, समझिए। पॉइंट नंबर टू, पांच को मार्क्स मिलेगा बाबू, याद रखे बाबू, आ तोहनी के पांच मार्क्स मिल तोहनी ऐसा लगा लिख भी, तो आपका आधार, आपका जो राशन कार्ड है ना, वो राशन कार्ड पूरी तरह से भर चुका है, आपको नया राशन कार्ड लेना है, ठीक है। तो नया राशन कार्ड लेने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेवा में श्रीमान जिला आपूर्ति अधिकारी, क्या लिखना है, जिला आपूर्ति अधिकारी, धनबाद झारखंड, जहाँ भी एरिया है, पाकुड़ झारखंड, रांची झारखंड, दुमका झारखंड, हजारीबाग झारखंड लिख देना है। विषय, नया राशन कार्ड बनवाने के लिए, आपको के लिए नहीं लिखना है, हेतु, नया राशन कार्ड बनवाने हेतु। अब जब महोदय लिखेंगे मेरे लाल, याद रखिएगा, महोदय कहाँ पे लिखना है, इस एरिया पे लिखना है, कहाँ पे,
इस एरिया पे आपको महोदय लिखना है, बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे महोदय लिखना है। स्टार्ट क्या करेंगे समझिए। सविनय निवेदन यह है कि मैं चंदन कुमार धनबाद का निवासी हूँ। फिर से मैं बोल रहा हूँ चंदन कुमार, मेरा नाम ही चंदन कुमार धनबाद का निवासी हूँ। मेरा उपभोक्ता का संख्या मतलब आपका जो राशन कार्ड को कोई भी नंबर होती है ना, वो नंबर है 1 2 3 4 5। श्रीमान मेरा राशन कार्ड भर गया है। बिल्कुल हाँ मेरे श्रीमान, मेरा राशन कार्ड पूरी तरह से भर गया है। साथ ही मेरा भाई राकेश जो बाहर पढ़ने गया था वापस आ गया, अतः उसका नाम भी इसमें जुड़वाना है। देखिए इसमें मैं दो चीज़ मैं आपको बता दूं, घर का मेंबर मान लेते हैं हम लोग 10 मेंबर है, 10 मेंबर से जब हम लोग राशन कार्ड बना रहे थे उस समय 9 मेंबर का नाम चढ़ा, एक मेंबर नहीं है जो बाहर चल गए थे कहीं स्टडी कराने के लिए पढ़ने के लिए, तो वो आए हैं तो उसको भी नाम में इंडिकेट करना चाहता हूं। तो दोनों को लेकर चलना है ठीक है। समझिए पढ़ने गया था वापस आ गया, अतः उसका नाम भी इसमें जुड़वाना है। हम 5 सदस्य हो गए हैं, माता पिता हम 2 भाई और 1 बहन। पुराने राशन कार्ड पर दुकानदार राशन नहीं दे रहा है, पुराने राशन कार्ड जो है उसमें दुकानदार हमें राशन नहीं दे रहा है, अतः आपसे नर्म निवेदन है कि शीघ्रता मतलब जल्दी आप मेरा नया राशन कार्ड बनवाने की कृपया करें। आप थोड़ा शीघ्र जल्दी से हमारे राशन कार्ड बनवाने की कृपया करें। पुराना राशन कार्ड का छाया पत्र आवेदन पत्र के संकलन है, और पुराना राशन कार्ड का छाया पत्र, छाया मतलब जेरॉक्स, छाया पत्र आवेदन पत्र के क्या है संकलन है, मतलब सेम टू सेम। इस तरह से आपको पूरा अच्छी तरह से ध्यान से आपको पूरा बॉडी लिखना है। ये बॉडी है, ये स्ट्रक्चर, इसको हम लोग ये स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। बॉडी लिखने के बाद फिर से स्ट्रक्चर लिखना है, क्या याद रखें, संघवाद या आपका धन्यवाद लिखना है। दिनांक सिग्नेचर अपने तरफ से जो भी सिग्नेचर होगी आपका, देखिए आपका जो भी सिग्नेचर होगी लिख देना है पूरा एकदम भर के। उसके बाद यहाँ पे भावादी लिखना है, आप पूरे फैमिली की तरफ से लिख रहे हैं, और चंदन कुमार उपभोक्ता संख्या पता लिख देना है, डेट मेंशन करना है। इस तरह से आप लिखेंगे 5 को उंगली मिलेगा आपको। आप चाहते हैं ना कि हमारे पेपर में 5 मार्क्स का मिलेगा फाइनल एग्जाम में, तो बिल्कुल इस दोनों क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कर लेना है। मैंने 6 से 7 कितना, मैं 6 से 7 आप लोगों को चाहे वो निबंध लेखन से हो या पत्र लेखन से हो, 6-7 आप लोगों को मैं लेक्चर प्रोवाइड किया हूँ एप्लीकेशन पे। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो बेहतरीन तरीके से क्लास करना चाहते हैं ओनली फॉर 45 दिन के लिए, तो याद रखिएगा इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा मेरे लाल। इस कोर्स में आप लोगों का तबड़तोड़ क्लास होने वाला है 15 दिसंबर, याद रखिएगा 15 दिसंबर, लिमिटेड सीट ओनली फॉर 50 स्टूडेंट ही इसमें एडमिशन होगी ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल जल्दी से जाएं, नीचे ऑलरेडी नंबर दिए गए हैं, नंबर के माध्यम से आप लोग सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। मिलते हैं नया वीडियो।